आज यूम योर टीवी पहुंच गया है बेकाबू की स्टार कास्ट यानी राजीव सिद्धार्थ, प्रिया बनर्जी और मधुस्नेहा उपाध्याय के पास, जो आज हमारे साथ निकले हैं डे आउट पर। तो आज ये तीनों मिलकर क्या खास करने वाले हैं? आइए इन्हीं से जानते हैं। हाय, वेलकम ऑन यू मी और टीवी। अरे हम बहुत खुश हैं और बेसिकली जो ऑडियंस ने जो हमें लव दिया है, I mean all of us are quite overwhelmed by it. हम खुशी से बेकाबू हो रहे हैं। It's that excited. और कियान आज हमें लेके आए हैं, कुछ तो सरप्राइज लंच करवाने वाले हैं, कुछ स्पेशल डेट पर लेके आए हैं। तो कियान, क्या क्या प्लान्स हैं आपके? वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे मुझे आपके प्लान धीरे धीरे पता चले। क्या बात कर रहे हैं? कौन से प्लान? नहीं, पर बेसिकली हाँ, बेसिकली मुझे इस लड़की ने काफी परेशान किया है शो में, तो इसलिए और परेशान करते हुए मुझे बहुत मजा आया। आई लव्ड इट। इन्होंने मुझे परेशान किया है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैंने दोनों को मनाने के लिए एक अच्छी सी जगह लाया हूँ, खाने और पीने के लिए और अच्छी बातचीत के लिए। सो इट्स कॉल्ड जलवा। यस, एंड लेट्स गो नाउ, आई एम सो हंग्री। ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो हम आप तीनों की देख ही रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग आप तीनों की कैसी है, जरा हमें भी तो बताइए। वी वर बॉन्डेड। देखिए ऑन सेट मुझे ज्यादा, मैं सच बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा मजा, ये देखो देखो आपस में लगे हुए, आई एम नॉट इवन रॉन्ग। सो ऑन सेट मुझे सबसे ज्यादा मजा मेरे डायरेक्टर और डीओपी के साथ सबसे ज्यादा मजा आया। एक्सक्यूज मी, अब आप उस और फिर जब कियान और कश्ती सेट पे आते थे तो मजा दुगना हो जाता था। सो मजा बहुत आया, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है, तो मेरे लिए तो सीन्स करने में मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि वाओ कितना मज़ा आ रहा है साथ में एक्टिंग करने में। और ऑफ सेट भी बहुत चिल्ड आउट हैं, इससे ज़्यादा मैं आप ही कहिए क्या तारीफ करूँ। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे डायरेक्टर थे और डीओपी जय, आई थिंक वी ऑल, बिकॉज वी ऑल द सेम एज ग्रुप, बहुत मजा आया साथ में काम करते हुए। एंड वी ऑल सो हाइपर ऑल द टाइम, सो पैशनेट अबाउट एवरीथिंग वी वर डूइंग, दैट नथिंग एल्स मैटर्ड, यू नो, दैट time issues or whatever, and we just worked hard for everything, and all of us did. I think it's also because we were so passionate about this project and nothing else really mattered, and that's how we also created a major bonding with all of us. Like, we still hang out and, you know, we just feel so good when we see it on screen now because we can see the product of our hard work, you know. I mean, because off-screen bonding itni achhi hai, I think that has translated into, you know, great on-screen chemistry, be it between me and Priya, between me and Madhu and other characters as well. और जैसा Priya और Madhu ने कहा कि चूँकि हमारी entire creative team ही, मतलब you know, सब single minded focus के साथ हम ये बना रहे थे, so it has come across like we thought it would, or if or even better, let's say. और ये तभी हो पाता जब सबको सबकी energy match करती है, there is no chaos on set, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कितना कम time होता है shoot करने का, उतने time में आप एक अच्छा quality बना रहे हैं, so it ज़रूरत सबकी 100% कमिटमेंट की जरूरत होती है, और जो इस सेट में था। बातें तो होती रहेंगी, अब ये तो जान ही लेते हैं कि आज स्पेशल डेट पर आए हैं तो लंच में क्या ऑर्डर किया है। हमने मेनली प्रिया आपने नाचोस ऑर्डर किया ना? भाभी लिए। आई हैव ऑर्डर्ड सम नाचोस, एक्स्ट्रा चीज, द चीज इज गॉन, देयर इज नाचोस लेफ्ट बिकॉज़ चीज उठा के खा लिया हम लोगों ने। एंड दैट इज अ सीक्रेट ऑफ हर फिट फिजिक। या द चीज, तो शुरू हो गए टॉम एंड जेरी आपस में, आपने देखा, यही मेरा हश्र था पूरे शूट के टाइम, मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा था कि आपस में ही कश्ती और कियान मेरी लाइफ ऐसे बना रहे थे। बताइए, आप झूठ मत बोले, शी इज नॉट द इनोसेंट वन एट ऑल। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा शो देखने के बाद कि ये कितनी इनोसेंट है, कितनी इनोसेंट नहीं है। एंड बेसिकली हमने, इन्होंने नाचोज ऑर्डर किया। मधु, आपने क्या ऑर्डर किया? मैंने पास्ता ऑर्डर किया है, मेरा बड़ा मन कर रहा है पास्ता खाने का। और चूंकि भाई मुझे मनाना है दोनों को, सो आई जो भी ऑर्डर करें, आई हैव टू बी गुड विद इट, है ना। आल्सो कियान मेरे पास था, पर फिर नहीं। कियान मेरे पास था, बैड जोक, बट आई ट्राइड। नो, बट दैट वाज अ गुड बैड जोक। या दैट गुड बैड जोक, गुड बैड जोक, गुड बैड जोक, मतलब हम लोग हंसे। फाइनली आ ही गया टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी फूड। अभी हमारा पास्ता आ चुका है और ग्रिल्ड चिकन आ चुका है, ये देखिए। ओहो हो, और हम खाने पे टूट पड़ने वाले हैं, बेकाबू तो हो ही रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने नहीं देखा है शो अभी तक, प्लीज़ देखिए और हमें बताइए और इन्जॉय कीजिए शो, क्योंकि बहुत अच्छा शो है जी, और बहुत मेहनत गई है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, एंड इट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। वाह जी वाह, लंच डेट हो तो ऐसा।
क्यों राजीव, प्रिया और मधु स्नेहा, सही कहा ना हमने? बहुत ज्यादा एंजॉय किया, यू कैन ऑलरेडी सी अस स्माइलिंग फेसेस, हैप्पी स्माइलिंग फेसेस। हां, और हमने कियान ने खाना खिलाया और फिर डाइजेस्ट कराया डांस कर करके। एंड फाइनली दीस टू पीपल आर हैप्पी, है ना? फाइनली खुश है, मुझसे और परेशान नहीं करोगे ना? बट यू हैव टू मेक अप, यू हैव टू कीप फीडिंग अस एवरी डे। कियान तुम पर तुम सुधर जाओ यार, व्हाट इज दिस? मैं सुधर क्या लड़कियों के साथ? हां तो सिर्फ आप दोनों के साथ। दोनों के साथ, वाह, क्या सीख रहे हैं लड़के तुमसे आजकल के? जाने से पहले व्यूअर्स से आप तीनों क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर ऑल आईएमडीबी पर भी बेकाबू नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। रिलीज हो गई है, इट्स स्ट्रीमिंग ऑन ऑल्ट बालाजी, प्लीज देखिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखी है। इट्स बिंज वर्दी, वॉच ऑल ऑफ इट एट वंस। 20 मिनट्स का एपिसोड है, आप दो तीन घंटे में खत्म कर दोगे एंड यू विल लव इट फॉर श्योर, यू विल बी क्रेविंग फॉर मोर। इंटरनेट पे नंबर वन पे ट्रेंड कर रही है, तो फटाफट देख लीजिए और फटाफट बताइए कि कैसी लगी। आई थिंक दीस टू लेडीज हैव समड इट अप रियली वेल, आप प्लीज़ देखिए। नहीं नहीं, हम सीरियसली देखिए, क्योंकि ये बहुत ही, हमने शूटिंग भी की इसकी, हमने स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, फिर भी जब हम देख रहे हैं हमें भी लाइक इवन वी आर ऑन दी एज। सो फॉर समबडी हुज़ नॉट सीन इट और रेड इट, फॉर हिम इट विल बी क्रेजी, हिम और हर। सो प्लीज़ वॉच बेकाबू। वेल, हम तो यही विश करते हैं कि वेब सीरीज बेकाबू के जरिए आप तीनों ही ऑडियंस के दिलों पर छा जाएं और आप ऑडियंस को अपनी एक्टिंग से यूं ही एंटरटेन करते रहें। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।